हाँ मम्मी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी। कॉलेज में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आजकल देश में माहौल ठीक नहीं है ना। कोई दोस्त तुझे बुलाए हो टेस्ट के लिए तो नहीं जाना? हाँ माँ, आप टेंशन ना लो, मेरे यहाँ सब ठीक है। अभी चलो, मुझे थोड़ा काम है, अभी हम बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक, प्रणाम। गर्दी आखिर किसकी है ये गुंडा गर्दी? कौन है वो गुंडे जो नकाबपोश बने हुए जेएनयू में बीती शाम हिंसा फैल? दिल्ली पुलिस हैज एडमिटेड दैट इट फायर्ड इन द एयर ड्यूरिंग जामिया क्लैशेस इन दिसंबर। दैट्स द लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि जेएनयू हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज होगी। तो जो सवालों के निशाने पर थी लगातार, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जेएनयू मसले पर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है और इस पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली है। 48 hours after this brutality which shocked the nation, have you not been able to arrest a single good? This is how they come out on camera. Their faces can be seen. Is your police force there? Is it willing? Is this enabled to come out? Come on, come on, come on. फिलहाल तो मम्मी को झूठी तसल्ली दे दी है, पता नहीं कल सुबह क्या होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी डर लगने लगा है। पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। दुनिया भर में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। कहीं वर्ल्ड वॉर के चर्चे, तो कहीं जलता हुआ जंगल, तो कहीं मासूम स्टूडेंट्स पर अत्याचार। पता नहीं सरकार क्या चाहती है यार। पता नहीं कल इस आजाद हवा के मजे ले पाऊंगा या नहीं। वाले मजबूर है या मनहूस, पता नहीं आज रात क्या होगा। पता नहीं यार, बस कुछ पता नहीं। बस अपना ध्यान रखना।